हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस, आज हम गोलम वर्सेस मॉब्स के बीच में कराने वाले हैं फाइट। तो फर्स्ट राउंड में एक साइड है सिक्स गोलम और एक साइड है हमारा सबसे पावरफुल वार्डन। तो देखते हैं गाइस, दोनों ही साइड मतलब मुकाबला बहुत ही खतरनाक है। तो हम जल्दी से यहाँ पे गोलम बना देते हैं। ये हमने फर्स्ट गोलम बना दिया, ये सेकंड, थर्ड, आई वही गलत लग गया, ये फोर्थ, फाइव और सिक्स। तो गाइस, अब हम यहाँ से सामने से मतलब ये बीच में से वॉल हटा देते हैं ताकि यहाँ पे ये फाइट हो सके। तो स्टार्ट। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये वार्डन काफ़ी जाके खड़ा हो गया है। लगता है वार्डन को डर लग रहा है क्योंकि सिक्स कॉलम है और वार्डन अकेला है। अरे वार्डन निकल। तो गाइस यहाँ पे कॉलम आ चुके हैं। देखिए गाइस, ये कॉलम डैमेज हो रहे हैं। ओ भाई, इधर आ जाओ, बनो, वार्डन जीत जाएगा, हेल्प करो कॉलम की। अरे ये दो देखो गाइस, यहाँ पे इधर ये दोनों कॉलम बातें बना रहे हैं, यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे। जो काम करने आई है वो तो कर नहीं रहे हैं। गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट हो रही है। अभी कोई गोलम रह गए हैं, मुझे तो लगता है कि वार्डन ही जीतेगा क्योंकि गाइस वार्डन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये गोलम इधर क्यों फिर रहा है? इन दोनों को एक साथ लड़ना चाहिए था, तो शायद ही जीत ही जाते। पर मुझे नहीं लगता कि ये जीतेंगे क्योंकि वार्डन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा होती है और वार्डन भी एकदम से अच्छे से मार रहा है। देखते हैं अब क्या होता है। ओ भाई, वार्डन को मार दिया गोलम ने। भाई कितना खतरनाक गोलम है। अरे सिक्स गोलम ने एक वार्डन को ख़त्म कर दिया। सो गाइस, पिछली फाइट में गोलम जीत चुके थे तो इस बार है फाइव गोलम वर्सेस 100 ज़ॉम्बी। तो गाइस अब हम जल्दी से गोलम को बना देते हैं। यहाँ पे हमने फाइव गोलम रख लिए हैं, बस इन्हें मतलब इन हेड लगाना बाकी है। तो जल्दी से ये फोर गोलम बन गए और ये लास्ट में फाइव। तो अब हम जल्दी से यहाँ पे रास्ता, ये मतलब जो वाल लगाई हुई है हमने बीच में, इसको हटा देते हैं। अरे ये किले की नहीं हुआ, हाँ हो गया गाइस। तो अब होने वाली एकदम खतरनाक लड़ाई। तो देखते हैं 100 ज़ॉम्बी से फाइव गोलम कैसे लड़ पाती है। ओ नो, ज़ॉम्बी देख लो इनकी साइड बुरी तरह से आ रही हैं और गोलम पूरे डैमेज हो चुके हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है। हे भगवान, क्या होने वाला है, सारे गोलम डैमेज हैं। ज़ॉम्बी इधर, कुछ ज़ॉम्बी इधर चले जा चुके हैं और कुछ इधर जा चुके हैं। और इधर ये ज़ॉम्बी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ये खेलने आए हैं? यहाँ पे लड़ाई हो रही है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है इस बार ज़ॉम्बी जीतने वाले हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार ज़ॉम्बी जीतेंगे। ये आर्मर भी पहन रहे हैं क्योंकि, और गोलम तो भाई अच्छी तरह पिट रहे हैं एकदम से। पिछली बार गोलम जीत गए थे पर इस बार लगता है ये हारेंगे क्योंकि ज़ॉम्बी इनका कटिंबर बना देंगे एकदम से। ओ भाई, एक ही गोलम रह गया है और सारे ज़ॉम्बी। ओ भाई, ज़ॉम्बीज विनर। तो इस बार ज़ॉम्बी जीत चुके हैं। तो गाइज अब बारी है 10 गोलम वर्सेस 100 स्केलेटन। तो देखते हैं गाइज इनमें से कौन जीत पाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब गोलम को बना लेते हैं। गाइज हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं। ओ भाई, ये तो अभी से आ गए इधर, मैं जल्दी से बना लेती हूँ। ये तो ये कहाँ को आई है, मैंने तो सारे रास्ते बंद किए थे। तो गाइज ये हो गया है, अब हम बीच से बॉल भी हटा देते हैं। तो गाइस ये हट क्यों नहीं रही है, हट गई है। तो गाइस अब देखो कितनी खतरनाक लड़ाई हो रही है, और इधर से गोलम भी पूरे जोश के साथ और उधर से स्केलेटन भी पूरे जोश के साथ गोलम को मार रहे हैं, गोलम स्केलेटन को मार रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होने वाला है। और गाइस यहाँ पे गोलम मतलब स्केलेटन ने आर्मर भी पहना है बट गोलम के पास आर्मर नहीं है। तो गाइज लगता है इस बार गोलम ही जीतने वाले हैं क्योंकि गाइज स्केलेटन तो अब ख़त्म ही हो चुके हैं, कुछ ही स्केलेटन बाकी है। तो गाइज इस बार जीत हुई है गोलम की, तो गोलम इज विनर। तो गाइज अब बारी है 5 गोलम वर्सेस 10 सल्कर की। तो मैं जल्दी से यहाँ पे सल्कर प्लेस कर देती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब हम जल्दी से यहाँ से ये मतलब ये वाल हटा देते हैं क्योंकि गोलम इधर आने के लिए तड़प रहे हैं। और देखिए गाइस गोलम कितनी तेज़ी से इधर आते हुए, एक गोलम बहुत धीरे चल रहा है। गाइस यहाँ पे देखिए कुछ सल्कर ख़त्म हो ही चुके हैं और यहाँ पे भी लगता है कि गोलम ही जीतने वाले हैं। गाइस हाँ, गोलम की जीत। अरे गोलम देखिए गाइस कहाँ पे जा रहा है। अरे इसे सल्कर ने इफेक्ट दे दिया है। देखिए गाइस एक गोलम नीचे आया है
गाइज लगता है। ओ भाई, तो गोलम इज विनर, देखे गाइज। और ये गोलम ये कहाँ पे उड़ रहे हैं भाई, नीचे आ जाओ। तो गाइज अब बारी है 15 पिगलिन वर्सेस 5 गोलम, तो देखते हैं इस बार कौन जीतता है। और अब हम जल्दी से बीच से वाल हटाते हैं। ये गाइज हो गया। और भाई सारे पिगलिन कितनी तेजी से उधर जा रहे हैं, और गोलम को देखे गाइज कहाँ पे लेके जा रहे हैं, एकदम कोने में लेके चले गए हैं गोलम को। ओ भाई, पिछले गोलम को कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। ओ भाई, वो गोलम तो गया। इस बार जीतने वाले हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिगलिन जीतने वाले हैं। गोलम देखिए गाइस, दो तीन गोलम रह चुके हैं और एक गोलम तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। और अभी दो ही गोलम नहीं, दो ही गोलम रह गए हैं, वो भी मर गया। तो देखिए गाइस, ये कितनी तेज़ी से जाती है एक गोलम को देख के। ओ भाई, लगता है तो इस बार तो पिगलिन ही जीतने वाले हैं। गोलम कुछ कर जीत। ओ भाई, तो पिगलिन इज विनर। तो गाइज अब बारी है 5 गोलम वर्सेस 15 प्लेजर की। और गाइज यहाँ पे वो बीच में वाल ना मेरे से लगानी याद नहीं रही, तो कुछ प्लेजर इधर आ गए हैं। तो अब मैं जल्दी से गोलम बना देती हूँ। ये 1 गोलम। ओ भाई, 2। अब देखते हैं गाइज क्या होने वाला है, मतलब ये फाइट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्लेजर बहुत ज़्यादा हमारे गाँव पर रेड करते हैं। तो मैं बीच से वाल तो हटानी आ ही नहीं रही, ये तो दूर से ही हमला कर रहे हैं। तो गाइस अब देखो कितनी तीरों की बारिश हो रही है, और मुझे लगता है कि इस बार प्लेजर जीतने वाले हैं, क्योंकि गोलम तो जल्दी से ही ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ 2 ही गोलम बचे। ओ भाई, 2 गोलम अच्छा तो उधर छिपे बैठे थे, और यहाँ पे 2 ही गोलम बचे हैं, प्लेजर काफ़ी ज़्यादा बच रहे हैं अभी। देखते हैं कौन जीतता है। और यहाँ पे देखिए गाइस, वैसे लग रहा है कि गोलम जीतने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ ही प्लेजर रह गए हैं। तो भाई पता नहीं कौन जीतेगा। ओ भाई, 5 प्लेजर ने विनर करा दिया, तो प्लेजर इज विनर। तो गाइस अब बारी है 5 गोलम वर्सेस 5 रेवेंजर की। तो हमने यहाँ पे 5 रेवेंजर स्पॉन कर दिए हैं, बस गोलम स्पॉन करने रह रहे हैं। तो मैं जल्दी से इन्हें भी कर देती हूँ स्पॉन, और ये बस होने ही वाले हैं। तो गाइस अब रेवेंजर स्पॉन हो चुके हैं, तो मैं जल्दी से बीच से यहाँ से ये मतलब वॉल हटा देती हूँ। तो अब गाइस देखिए रेवेंजर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, और अब मुकाबला एकदम बराबरी का है, क्योंकि 5 ही उधर है और 5 ही देर है। तो देखते हैं कौन जीतता है। ओ भाई, 2 ही रेवेंजर रह गए हैं, लगता है गोलम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि 4 गोलम रह चुके हैं। तो अब गोलम ही जीतेंगे, क्योंकि एक रेवेंजर ही क्या कर लेगा भाई। तो इस बार गोलम इज़ विनर। गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।